हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। आज फिर भाई दोबारा भाई दौरे नरेला में जो जड़ा भाई प्रवीण काम करे हुए पहुंचे है, और स्पेशल पहुंचने का रीजन एक तो यो है कि भाई मेरे पास कई दिन तक कॉल आवे अननोन नंबर से और ये बोल रहे हैं कि प्रवीण भाई प्रवीण फरमाना था मैं बोल रहा हूँ और मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये डाल दे या कुछ रुपया की बात जो हम वो कहें हैं। तो प्रवीण के पास मैंने कॉल किया कि प्रवीण भाई ऐसे ऐसे तेरे नाम से कॉल आई है मेरे पास, तो ये बोला कि स्पेशल जो है इसको बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है, तो उसी के रिगार्डिंग प्रवीण भाई के पास पहुँचे हैं। आगे ये उनके खिलाफ़ क्या तो करेंगे क्या नहीं करेंगे और जो ज्योति का जो आगे मैटर चल रहा है उसके बारे में भी पूछेंगे। बच्चे कैसे, इसकी तबीयत कैसे, इसके मम्मी पापा कैसे, क्या काम करता है ये, फिलहाल सारी बात पूछेंगे। प्रवीण भाई एक बार तो सब ने राम राम करके भाई, भाई सारे भाई ने राम राम भाई। तो प्रवीण भाई जो मेरे पास कल और परसों जो कॉल आई है कि मैं प्रवीण फरमाना था बोल रहा, पहचान लिया और मेरे अकाउंट में अर्जेंट मैंने कोई ज़रूरत है, मेरी जो तबीयत ख़राब है, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, 10,000 रुपये मेरे खाते में डाल दे, तो आप उनके खिलाफ या आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे प्रवीण भाई? भाई पहली बात है यो सीधा सीधा बदनाम करने की साजिश चल रही है, क्योंकि उन दौरे यार कोई सबूत है नहीं, वे क्यों तो बटोड़ेंगे कुछ तो टटोड़ेंगे वे कितने तरह सबूत लाऊंगे कुछ। हाँ क्यों करा इन्हें ज्योति आ गई सा कर दो कत्ती नेगेटिव हो जा ज्योति, वह नेगेटिव कितना हो ले मन ने उसके मन का बेरा है। अरे भाई देख वो क्या करे ना, जब पैदा हुए थे ना हमारे लिए एक लिख दिए थे, अब कित अगर उसकी जिंदगी मेरी गल बीतनी है ना तो उसने कोई रोक ना सकता, कितना आंगा ला लिए, अगर मेरी गल्ला इतना साथ था तो उसने को ला नहीं सकता भाई। आप आता एक का बात कहें मेरे बालका का अगर नू होगा भाई माँ आवेगी भाई तो उसने कोई मिटा नहीं सकता, मैं भी नहीं अगर छोड़ना चाहूँगा ना तो जब भी आवेगी अगर उनकी माँ उनके कर्मा में है तो, अरना तो अपने कर्मा का खाऊंगे बालक मेरे। ये भी ना बड़ी यार रहने लग रहे हैं यार, ये छोरी का एडमिशन करा दूंगा, कल भी आया था फोन घर तो आया था फोन मम्मी का, नोली बेटा यार रोवे है बैठी ले पे चली जा है स्कूल जाऊँ, मैं कोई ना मम्मी मैं बै रुक जा अगले साल करा देंगे, नोली ना मैं पूछा स्कूल में हो जाएगा एडमिशन, मैं कहा हो जाएगा तो मैं अपने कागज ले आई हो मैं साइन मार दूंगा अरना मैं एक दो दिन मार दूंगा अपना पूछ आई हो जो भी हो करा दूंगा, क्या दिक्कत है यार भाई छोरी एडमिशन लाए मेरे भाई छोरी इतनी है को कह ना सकता क्या 3 साल की होगी, अच्छा अच्छा के पंखे पाट दे है और जो भी ये रुपये मांगे ना मेरे नाम ले गए। अरे अगर तुम उनके कहे तो मांगते हो तो तुमने डूब का मर जाना चाहिए, समझ गए, अपना किसी के पीछे लागो ना तो कति फेस टू फेस आओ। अरे फिर अरे बेरा हमने जिसने फोन करा मैं नाम तो के बताऊँ उसका, बेरा हमने उस बात का भी जिसने फोन करा है प्रवीण भाई ट्रू कॉलर पर उसका नाम नवीन लिखा हो तो कोई ना ट्रू कॉलर पर तो कोई भी कुछ डाल देगा, बाकी मैंने बेरा है बेरा हमने जी देखे। एक बार शायद आपके याद भी हो जब थाने में गए थे हम खरकोदा पहली तारीख पे, जब एक भाई ने नू गई थी अक तेरे फोन आया भाई यार तू सट्टा खेल ला फलाना इसको आया था, मैंने एक बात मेरे पास आया था मैंने क्या कही थी मका मन ने बेरा जिसने करा था, मैंने आपसे दो ही नंबर बताए थे लास्ट के, आपने बोले हाँ यो ही था नंबर, मैंने सब कुछ बता दिया था घर तक का एड्रेस बता दिया था उसका यार, इतना था 30 साल हो गए मैंने यार नगर में रहते चक्के चक्के तो वाकिफ हूँ मैं हर चीज़ तो वाकिफ हूँ ठीक है। जो ये मैंने राजेश का भी मैटर ठाया था उस दिन मैं गलत ना ठा रहा भाई, अपने दो है सबूत यार, अगर वे नु कह रहे हैं बुराई करूँ मैं, मेरा मकसद कुछ नहीं है बेइज्जती करने का, मेरा मकसद अपने बालक लान का है, चाहे उस दिन मना कुछ भी करना पड़ी हो पर गलत मैं करूँगा नहीं, और गलत को मेरे पांगली ठाओगा तो फिर मैं गलत करने पीछे भी नहीं हटूंगा, सीधी बात है। जब मैं यार मन ने दिख लग रहा मेरे तो घर का नाश होने लग रहा है फिर मैं आग लगना क्यों छोड़ दूंगा, मैं भी रोड़े तक की ओटूंगा ना जितने की ओटन की होगी। प्रवीण भाई एक बात और भी तो है कि भाई कहीं ना कहीं ज्योति तो मना करे ये भाई देखे मैं नू मान ले भाई ज्योति मना करे बस हाँ। मैं तो एक का बात कहूँ चल कोई ना ज्योति मना करे कोई दिक्कत ना करे जाएगी, ज्योति ने तो आ रही थी 2 तारीख नहाने की, उन्हें सारी बात बता दी थी 2 तारीख नहाने की, उसके बाद नहाने का तो रीजन ही नहीं बता लिया ना, और कैमरे पर जिस दिन आओगी और मैंने प्लस पॉइंट है मेरा और प्लस पॉइंट है मेरा, जैसे आप स्टार्टिंग में कह रहे थे जिस दिन ज्योति आओगी तो मेरा प्लस पॉइंट बनेगा, अब भी आप यही बात कह रहे हो। अरे अरे बना नहीं है मेरा, मेरा प्लस पॉइंट बना है और बल्कि मेरे तवाद नू बतागी कैमरे में इशारा मैं वे बेशक समझ ना पाए हूँ मैं समझ गया सारे सबूत मेरे देगी और अरे दुनिया ना आईना दिखागी आ कौन की तो गलत है
और किन की के गलती है, दुनिया ने आईना भी दिखा दिया दुनिया थी। तो प्रवीण भाई एक बात और भी सामने आवे है, उनके जो परिवार वाले या उसके जो आप जिनका नाम ले हो कि भाई वो उनके जो पीछे पड़ रहे हैं उनकी वजह से ज्योति नहीं आती, तो उनका साफ साफ यो भी कहना कि अगर ज्योति को हम प्रेशर करते जो मजिस्ट्रेट के सामने जब जावे है तो वो आता तो प्रवीण और ज्योति है तो जावे है कि जावे मजिस्ट्रेट के आगे पे पेश की तो हम जज के सामने ना इब्ती ना लिए जित ज्योति और मैं बैठे हूँ सिर पे। अच्छा, नहीं नहीं कौन कब है कि एकले में बिठाए हैं कवा दे किससे दे, मैं कहूँ ये मजिस्ट्रेट आगे बैठेंगे ना हमें उड़े एक घंटा आधा घंटा दो घंटे बिठाऊंगे ना, जब देख लियो रिजल्ट आ जाएगा मतलब ज्योति आ जाएगी, आओ ना हो वह कुछ भी हो पर रिजल्ट ओके आ लेगा। अगर उनका यो बह मैं अगर भाई हम लिविंग में रख देंगे ना तो ज्योति जावे, अरे भाई जाओगी तो जावेगी जावेगी तो जाओगी जानी आना कोई नहीं रोक सकता। भाई कही ये भी कमेंट आवे प्रवीण भाई अगर ज्योति नहीं आना चाहती तो अपने बड़कन बढ़िया तरिया पाल और तलाक दे, भाई पाल लग रहा क्यों दे दू तलाक, कमेंट तलाक क्यों दे दू, सीख मिलनी चाहिए ना, यो ना ड्रामा बना दिया आज मेरी गल्ला करा है मान लो अगर यो कर दिया हमने दे दिया चल मैं 1% मानू सारी वो ठीक कल दूसरे का भी नाश होगा घर का, इसका बढ़िया मेरा इना नाश हो लेगा, अरे मेरा क्या नाश होया भाई मेरा तो वंश चला गई अगली मेरा तो वंश चला दिया मेरा क्यों नाश होगा, नाश तो उनका होगा जिनका होना है। मेरे भाई साहब जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी कोनी एक दो महीने की है, ले जाते मजिस्ट्रेट के आगे हो गए कोर्ट में चले गए हाँ भाई डिवोर्स का इसने डाल दिया इन्हें वोट डाल दिया अरे करो साइन चलो बाहर शादी है ओके हिलना है ठीक, और मैं को लेकर ना बात जाता भाई जो ये बात कम है ना उनके घर के या जो भी है बिचोलिया अगर यो लेकर बात गया था लेकर ना बात जाता दो बिने थी घर छोड़ दी थी ठीक है, और बेरा भी दूसरे कारण चल रहा था ठीक जो वह बात थी दूसरी जब बेरा चल रहा था है, अगर परवीन उस टाइम पर परिवार वाले तो बता देता तो आज यह सिचुएशन क्रिएट ना होती। बेरा था किसने ना बेरा था इनके घर में इसके माँ बाप ने छोड़ गए तो इसके पापा के जो कह नू कब हैं कि जो इसका मुखिया हुआ जो घर का ही का बाबू उसने नहीं पता था, अगर उसने पता होता तो आज जो या नौबत हो रही है या नहीं हो। 5 साल पहले बेरा ना था मिलकर ना गई थी अगर मारी छोरी इस बात कर रहे हैं। अच्छा, अरे एक ना दो बार अरे तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी, सिचुएशन यही होती तू अपनी ना रोक ले हम मारे घर के मन ने रोक देंगे, मैंने एक का बात कर दी मेरे द्वारा फोन नहीं करेगी तो मैं नहीं जा करता पर मैंने अगली तो एक का वादा करा था मगर साथ दे वैता मैं तेरी गिल्ला खड़ा हूँ मैं स्वाद नहीं लेता ना मैंने जिंदगी अब तेरी खराब करनी ना मन अपनी करनी, मैं बात करूँगा तो मैं ब्याह करूँगा सीधा तेरी मर्जी होता कर और ना होता बेशक मत कर बोली ना मैं ब्याह करूँगी साथ नहीं छोड़ दूंगी, तब भाई मैंने ब्याह करा साथ छोड़ेगी यो तैयार हो जाया करे जितना साथी भी दूर रहोगी जिस दिन आओगी उतना ही प्यार भी हो जाएगा क्या दिक्कत है, हर जिंदगी में हर चीज़ का आनंद आता है यार जब ती दुख नहीं होगा ना जब ती सुख का मजा नहीं की समझ आया करे सुख का इसी दस सुख के सुख आया जाएगा जब कष्ट आवे ना फिर वो आदमी संभलता नहीं। और प्रवीण भाई एक जो है अब तक का जो सवाल बना है तो यो बने कि भाई प्रवीण ज्योति का तेरा झगड़ा है तो तू खाम का किसी का नाम क्यों लिया यार, मैं खाम खाई क्यों लूँ, मैंने खाम खाई तेरा ना लिया ओरा का ना लिया यार, मैं खाम खाई ना लेता मैं उन्ने का नाम लूँगा जो मेरे घर का नाश करावे है, मैं क्यों लूँगा किसी का, मन्ने क्या मतलब है भाई किसी थे।